सभी मित्रजनों का मनीष का प्रणाम। जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। शारदीय नवरात्र का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। माताएं और बहनें और सभी लोग 9 दिन का उपवास रखकर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी करते हैं। आइए हम जानते हैं कि सर्वप्रथम यह 9 दिन का व्रत और तपस्या माता रानी के लिए किसने किया था और इससे क्या लाभ मिला था, और हम आज अगर 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो यह क्यों कर रहे हैं, इन सभी के बारे में आइए हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शारदीय नवरात्र की शुरुआत तो भगवान राम ने ही की थी। माना जाता है कि लंका में रावण से युद्ध से पहले ही भगवान राम ने शक्ति की प्रतीक माता दुर्गा की आराधना की थी, कर भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त हुआ था। 9 दिन के कठोर तप की वजह से माता रानी प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दी थी। लंका युद्ध के समय ब्रह्मा जी स्वयं श्री राम जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंडी देवी का पूजन और व्रत को संपन्न करने के लिए कहा और साथ ही चंडी देवी को प्रसन्न करने हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था करने के लिए कहा। वहीं रावण ने अमृत के लोभ में विजय हेतु चंडी का पाठ प्रारंभ किया। आपको पता होना चाहिए यह बात, इंद्रदेव ने जब पवन देव के माध्यम से अपने श्री प्रभु श्री राम तक यह बात पहुंचाया तो प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए कि 108 नील कमल मैं कहां से लाऊंगा। दुर्लभ नील कमल जो कि उस समय बहुत ही दुर्लभ था, भगवान श्री राम सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर तर्कस से अपने एक तीर को निकाला और उन्होंने अपनी नील कमल जैसी आँखें, सुंदर आँखें माता को भेंट करने के लिए पढ़ी। उन्हें यह क्यों करना पड़ा, क्योंकि उस समय नील कमल कहीं नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही ऑप्शन था, यही एक उपाय था। उन्होंने अपनी जैसे ही आँखें निकालने की कोशिश करने लगे, माता रानी प्रकट हुई और बोली, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मैं आपको विजय श्री का वरदान देती हूँ। दूसरी ओर रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में बालक रूप में हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हनुमान जी से ब्राह्मणों ने वर मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे जिस मंत्र आप यज्ञ कर रहे हैं उस मंत्र के एक अक्षर में मेरे कहने से आप बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी फूर्ति हरणी में क शब्द का प्रयोग करें। फूर्ति हरणी यानी प्राणों की पीड़ा हरने वाली, और फूर्ति करणी का अर्थ है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। बदला हुआ मंत्र जैसे ही जपा गया उसी समय देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवा कर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी और यही कारण है रावण का कुल खानदान सहित सर्वनाश हो गया और दशहरे के पर्व के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। ऐसे भगवान श्री राम ने नवरात्र के 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की थी। जहाँ तक नवरात्र का सवाल है, इसे हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में तो 9 दिनों तक दांडिया यानी गरबा की धूम होती है, वहीं पश्चिम बंगाल में 4 से 5 दिनों तक दुर्गा पूजा की रौनक रहती है। भले ही इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता हो, लेकिन हर राज्य में इसकी रौनक देखती बनती है। आप भी अगर इसके आगे कुछ अब जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।